हमने स्टार्ट किया था टारगेटिंग, आई वन बाई वन देखते हैं टारगेटिंग का। पहला मैंने बताया था अनडिफ्रेंशिएट, उसी के एक और नाम होता है मास मार्केटिंग। इसमें क्या करती है कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है ठीक है इंटायर द मार्केट यानी सबके लिए ठीक है, जैसे एग्जांपल डेयरी मिल्क चॉकलेट हो गया, क्या होता है ये सबके लिए आता है। और डिफ्रेंशिएट मार्केटिंग को हम लोग सेगमेंटेड मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं टारगेट इंडस्ट्री को ठीक है कस्टमाइज के हिसाब से, जैसे एग्जाम्पल यूनिलीवर हो गया ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है कई सारे प्रोडक्ट जैसे शैम्पू हो गया, शॉप हो गया, फूड वाला भी देता है ये। कंसंट्रेट क्या होता है, इसको हम नीच मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट पे हम फोकस करते हैं, जैसे एग्जांपल पिज्जा हो गया, वेज भी देता है नॉन वेज भी देता है ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स के हो गया बैट बॉल हो गया, तो ये क्या हो गया कंसंट्रेट हो गया। माइक्रो का मतलब क्या होता है, जब हम किसी इंडिविजुअल को फोकस करते हैं ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वॉलमार्ट हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड के हिसाब से, उसके लोकेशन के हिसाब से है ना, तो ये क्या